नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परम कुमार और आज मैं आया हूं मेड़ा उपला के पहाड़ पर। और दोस्तों, मेड़ा उपला के पहाड़ पर एक मामा जी का थान है, तो हम मामा जी के स्थान पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से ये स्थान आया हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम मेड़ा उपला की पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और ये स्थान मेड़ा उपला के ठीक पहाड़ी के बीच में आया हुआ है और हम वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं रवि कुमार हंस और साथ में मेहमान भी है और पीछे है हमारे भांजा है अरविंद गुच्चर। और ये है मेड़ा उपला का गांव, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। हम ऊपर से दिखाएंगे आपको, फिलहाल तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक मंदिर मिला है, ये तो नीचे का वाला मंदिर है लेकिन वो असली मंदिर ऊपर है, हम ऊपर जाएंगे। हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये है मुख्य मंदिर। दोस्तों, मेड़ा उपला तो हम रोज जाते हैं लेकिन मंदिर पर आज पहली बार आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। हाय, चलो इसके हम पास जाकर देखते हैं कैसा भाई। ओ, ये तो शर्मा के निकल गए। ये मंदिर इस बड़े पत्थर के नीचे आया हुआ है जिसको हम स्थानीय भाषा में गढ़ा कहते हैं। ये है रवि कुमार अंश, ये देखिए हमारे भाई। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे गुफा दिखी है, हम आपको गुफा दिखाएंगे, बहुत ही शानदार गुफा है। हमारे इस गुफा को आपको अंदर से दिखाएंगे, बहुत ही शानदार गुफा है ये। और दोस्तों, ये है मेड़ा उपला का नज़ारा, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा। ये मेड़ा उपला गांव है। और दोस्तों, हम इस गड़े या इस बड़े पत्थर के ठीक ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार हम मेड़ा उपला के इस मंदिर पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हम इस बड़े पत्थर के ठीक ऊपर हैं और हमारे ठीक पीछे है मेड़ा उपला का गांव, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये है मेड़ा उपला गांव, ये देखिए दोस्तों, ये है मेड़ा उपला का गांव, बहुत ही शानदार नज़ारा।
कुर्सी। और दोस्तों यह है मेड़ा उपला के पहाड़ पर बनी हुई कुर्सी। इस पत्थर को कुर्सी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस पत्थर का आकार कुर्सी के समान है। और दोस्तों इस पत्थर पर मवेशी ऊपर चढ़ते हैं। एक तरफ कुर्सी है तो एक तरफ पलंग समान है, ये एक तरफ पलंग के समान ये पत्थर बना हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों पत्थरों का नाम कुर्सी और पलंग रखा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कुर्सी एक तरफ पलंग, इनकी आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। और पीछे आप देख रहे हैं मेड़ा उपला का गांव। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र यहीं पर था और आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले स्थान पर।